इतनी गर्मी है। अरे भाई आयुषी कब आएगा धीरज, तुझे पता है ना मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और कितना वेट करना पड़ेगा। मामा बस अभी धीरज आता ही होगा। मामा वो धीरज के डैड आ गए। तो ये हैं धीरज के पापा। चौकीदार सोवाली नमस्कार, कैसी हैं आप? और भाई हुकुम, तेरे बेटे की इतनी हैसियत हो गई कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। शोभा जी, ये बच्चे आपस में प्यार करते हैं, हमें इनकी शादी करा देनी चाहिए, इसमें गलत भी क्या है? बुराई ये है कि पहले अपनी हैसियत तो देख लो, अब घर के बाहर काम करने वाले हमारे घर में आकर सोफे पे बैठेंगे। मम्मी आप एक दूसरे को जानते हो? जानती हूँ। अरे बेटा जब तू छोटी थी ना तब ये हमारे घर में चौकीदार हुआ करते थे, और आज तुम इनके बेटे से शादी करना चाहती हो। मम्मी आपको कुछ गलत फहमी हुई है, शायद आपको पता नहीं है ये कौन है। पता तुझे नहीं है बेटा? अरे तू इनके बेटे से शादी करने के बाद ये जो इतना महंगा लाइफस्टाइल जीती है ना, अफोर्ड कर पाएगी? इन लोगों के स्टैंडर्ड जानती है तू? किस तरह रहते हैं, कैसी जगह रहते हैं? अरे खुद के खाने के लायक पैसे नहीं होंगे इनके पास, ये तुझे क्या खिलाएंगे? शोभा जी आप यकीन मानिए, अगर आपकी बेटी हमारे घर में आती है तो इसे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं है। हुकुम, अरे मेरी बेटी तुम्हारे घर जाके खुश तो तब रहेगी ना, जब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगी। क्या गलत फहमी पाल के बैठे हो? शोभा जी ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने घमंड के चक्कर में इन दोनों को अलग मत कीजिए। बस ये प्यार व्यार ना सब दो दिन में हवा हो जाएगा। तुम जानते हो मेरी बेटी के कितने खर्चे हैं, कैसे पाला है मैंने इसे। अरे तुम चौकीदार हो, तुम्हारा बेटा हसियत क्या होगा, प्यून होगा कहीं ना कहीं, और प्यून के घर मेरी बेटी जाएगी तो खुश रह पाएगी, ऐसा सोचते तुम? लगता है आपका मूड खराब है, गर्मी की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया होगा। चलिए आइए ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। ऑफिस? हुकुम उसे ऑफिस नहीं गार्ड रूम कहते हैं, समझे? मम्मी वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम सही बोल रहे हैं। वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रही हो ना, वो उनके बेटे की ही है। व्हाट आयुषी आर यू सीरियस? तुम जानते भी हो क्या बोल रही हो? चौकीदार का बेटा इतनी तरक्की कैसे कर सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए? उसने तुमसे झूठ कहा और तुमने मान लिया। मेहनत करके शोभा जी, मैं जानता था कि मेरा बेटा एक दिन तरक्की जरूर करेगा, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाता रहा। सच कहूं शोभा जी, आपके पास पैसा है लेकिन उस पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सिर्फ रिश्तों को तोड़ने के काम आता है, जोड़ने के काम नहीं। आंटी जी खुश रहो बेटा। वो सॉरी आपको वेट करवाया। पापा आप इनको ऑफिस क्यों नहीं ले गए, यहाँ पे क्यों खड़े हो आप? बेटा मैंने तो इनसे बहुत कहा लेकिन ये लोग माने नहीं। बेटा एक बात बताऊं, पहले मैं इन्हीं के यहाँ चौकीदारी करता था और ये बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा? अरे हुकुम सिंह जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझे माफ कर दीजिए, शायद गलतफहमी में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गई। आपके बेटे को देखकर ना मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। अरे जो लड़का अपने दम पर इतनी तरक्की कर सकता है वो अपने परिवार को कभी दुखी नहीं रखेगा। मुझे आपका बेटा पसंद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को जिंदगी में बहुत खुश रखेगा। और हुकुम जी मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। अब मैं इन दोनों बच्चों के लिए ना जल्दी से जल्दी पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। आंटी जी आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, बाकी की बातें ऑफिस में चल के करते हैं ना।
चलो बेटा।